वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसे कितना जल्दी बना पा रहा हूँ और आप भी चाहे तो इसे इतना जल्दी बना सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप इसे एग्जाम में इजीली बना सके। मैं आशा करता हूँ कि ये स्टेप आपको अच्छे लगे, देन प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज की वीडियो में आज आपको दिखाऊंगा कैसे आप आसानी से सोलो ग्रुप का डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे स्केल और सिंपली ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक लाइन कुछ इस तरह से। सो हम लोग यहाँ पे 622 का एक ब्रिक ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ और उसके बाद दूसरे साइड भी वैसा ही हम लोग 2 सेंटीमीटर लेके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन आफ्टर इसे रेक्टेंगल को कम्प्लीट करने के बाद उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। सो वैसा ही हम लोग नीचे साइड भी ड्रॉ कर लेंगे और कम्प्लीट कर लेंगे इस रेक्टेंगल को। उसके बाद ऊपर से हम लोग 2 सेंटीमीटर लेंगे और कुछ इस तरह से हम लोग रखेंगे पहले स्केल को। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। वैसा ही हम लोग पैरेलल उसी के पैरेलल दूसरे साइड भी ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। एंड देन आफ्टर हम लोग इसे मिला देंगे। अब हम लोग दूसरे साइड के हाइट को कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरह से 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करके। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसे मिला देंगे नीचे से और इसे कंप्लीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ब्रिक का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे जन ये बोलते हैं मुझे कि स्टेप याद कैसे रखे। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रिक का एग्जांपल दिया है और इससे आपको मदद मिलेगी एग्जाम में इजीली से याद रखने। कुछ इस तरह से स्केल रखने के बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक लाइन 0.5 सेंटीमीटर छोड़ते हुए 6.5 सेंटीमीटर तक कुछ इस तरह से यहाँ से। उसके बाद हम लोग इसे मिला देंगे यहाँ से कुछ इस तरह से। वैसा ही हम लोग दूसरे साइड भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ लाइंस इसके इनर वाले पार्ट में। जैसे ये लगे कि एक मिरर है अंदर में, वैसा ही हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये एक रिफ्लेक्टर मिरर होता है यहाँ पे। कुछ इस तरह से हम लोग सिंपली इसे ड्रॉ कर लेंगे साइड साइड में। उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे इस मिरर को इजीली से। इस मिरर का मेन यूज़ है यह है कि ये सन रेज को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है और हीट करता है। सो मिरर के लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग वैसा ही ग्लास के लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। साइड साइड में हम लोग वैसा ही ड्रॉ करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस ग्लास को स्पेशली इसलिए दिया जाता है ताकि हीट बाहर ना निकले। अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इजिली से इसे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे फूड पार्टिकल्स जो यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद हम लोग इसे ड्रॉ कर लेंगे जो इसे सपोर्ट करता है स्टैंड खड़ा रहने में। उसके बाद हम लोग यहाँ से सनरेज ड्रॉ कर लेंगे स्केल से इजीली से। आप चाहे तो स्केल और फ्री हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेवल कर लेंगे ऑल द नेम्स। मैंने इस लेवलिंग को थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता इसे और भी ज़्यादा लंबा किया जाए। आप चाहे तो पॉज करके इसे कम्प्लीट कर सकते हैं लेवलिंग मेरे साथ ईजिली से। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, देन प्लीज जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें अपने व्यूज कि ये ड्राइंग आपको कैसे लगी। और ऐसा ही ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।